चुनाव आयोग द्वारा केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। वायनाड संसदीय सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वायनाड लोकसभा सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा खाली की गई थी, क्योंकि उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखने का विकल्प चुना था। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने की घोषणा भी कर दी। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि कांग्रेस के इस फैसले से क्या नफा नुकसान हो सकते हैं। दरअसल इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीट से मैदान में उतरे और प्रियंका गांधी ने दूरी बना ली। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी दोनों सीट से चुनाव जीते तो उनके इस्तीफे से रिक्त होने वाली सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव में उतर सकती हैं। हुआ भी ऐसा ही। प्रियंका गांधी के वायनाड से मैदान में उतरने पर कांग्रेस को क्या लाभ हो सकता है? उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है तो वहीं पार्टी अभी भी दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो सियासी जमीन ही तलाश रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए साउथ सेफ पैसेज की तरह है। राहुल गांधी ने भी पिछली बार अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट चुनी थी और जीते भी। प्रियंका को उतारने से दक्षिण के लोगों में ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भी पूरी अहमियत देती है। कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन केरल की सत्ता से दूर है। 2021 के केरल चुनाव में भी लेफ्ट गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार चलाने का जनादेश हासिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के वायनाड से सांसद होने का कुछ खास असर केरल चुनाव के नतीजों पर नहीं दिखा। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के वायनाड में होने का सकारात्मक असर केरल चुनाव में देखने को मिलेगा और उनकी पार्टी को उनके यहाँ होने से चुनाव अभियान में भी मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी का भले ही ये पहला चुनाव हो, लेकिन वे लंबे समय से रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी की चुनावी तैयारियों का जिम्मा संभालती रही हैं। प्रियंका इस बार के चुनाव अभियान में बतौर स्टार प्रचारक कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी फ्रंट पर नजर आई थी। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के हमलों को बगैर किसी कंट्रोवर्सी में आए काउंटर किया, उसे भी कांग्रेस के नजरिए से उम्मीद जगाने वाला कहा जा रहा है। अगर प्रियंका गांधी संसद में पहुंचती हैं, तो कांग्रेस को संसद में चर्चा के दौरान अच्छी हिंदी में दमदारी से अपनी बात रखने वाला एक अच्छा वक्ता मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।